बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे इंस्टा हमारी गैरी के फैन गैरी बैक, क्योंकि गैरी से बताएं कि यूके का यूथ मिलिट्री वीज़ा अब बंद हो चुका है, अब रिजल्ट आ गए हैं। तो रिजल्ट आ गए हैं, क्या हम सक्सेसफुल हैं, क्या हम अनसक्सेसफुल, कौन कौन से हमें गलतियाँ नहीं करनी ताकि हमें फ्री कॉस्ट ऑफ यूके का वीज़ा स्मूथली मिल जाए। बिल्कुल इससे बड़ा वीज़ा पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, चाहे आप कैनेडा ले लो, चाहे यूएसए, चाहे इवन कि ऑस्ट्रेलिया लो। चलिए वेलकम करते हैं आप गरीब माँ के बच्चों का मेरे शो पर। ये एक तरह से चिराग है वीज़ा जो आपकी गरीबी को दूर कर देगा, जिसका रिजल्ट निकल गया है, पर वो कब निकलेगा इस पर डिस्कस करते हैं डिटेल पर। पर जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ फ्री फिनलैंड और लग्जमबर्ग, जहाँ पर रहना पीना खर्चा भी। तो प्लीज़ एक कमेंट अपनी फ्री एंट्री डाली, बिकॉज मेरे पास एयरलाइंस के फ्री वाउचर्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी पर दिल से स्वागत। जितने भी यूट्यूबर आपको देखते हैं उनमें सबसे एक्सपीरियंस मेरे पास, बिकॉज मैं खुद 19 साल मैंने धक्के खाकर यूके में 5 घर बनाए और मेरे पास एक सुई से लेकर घर बनाने का एक्सपीरियंस एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट। जो यूके का यूथ मिलिट्री वीजा था वो 20 फरवरी को खुला था और 22 को बंद हो गया, और आज है 24 फरवरी। क्या बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, क्या बच्चों के रिजल्ट नहीं है, और रिजल्ट आते हैं तो किस तरह दिखता है स्क्रीन पर, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उसमें आपके सामने ईमेल आती है, डियर आपका नाम आएगा, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम, अनफॉर्चुनेटली यू आर अनसक्सेसफुल इन द रीसेंट बिलेट, द नेक्स्ट बिलेट विल बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर, आप अप्लाई कीजिए। आपको अनसक्सेसफुल की ईमेल इस तरह आती है, ठीक है। ये तो कि अनसक्सेस, अब बात करते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। डियर नाउ गैरी, you are successful in the ballot and you can apply for youth mobility visa, your unique reference number is this, you will need this to complete your application, matlab ki aapke un number aapko hona chahiye, you have 30 days to submit your online youth mobility visa applications and pay the visa application fees and which health charges, you must submit your application no later than 23:59 uk time on 7th of 4 2023 and 5:29 in india on 8th of 4 2023। तो ये बता रहा है कि आपके पास 30 डेज होंगे, मान लेते हैं मेरे ख्याल में जो रिजल्ट है वो 25 या 26 फरवरी को आपके ईमेल में आ जाएगा। सक्सेसफुल तब भी आएगा, आंसर तब भी आएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर पिक करता है, ये ह्यूमन पिक नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक आप वीडियो देखें तो फिर रिजल्ट आ चुका होगा, पर आपके पास 30 डेज होते हैं कि आप अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हो। इसमें इससे पहले आपको 1 रुपया नहीं पे करना, ये ऐसा मात्र वीज़ा है जो आपको यूके का देता है वीज़ा, वर्क वीज़ा 2 साल का ओपन वर्क, जहाँ पर आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं देना है, नो जॉब ऑफर, नो एक्सपीरियंस, बस आपकी 18 से 30 साल और इंडियन पासपोर्ट है, और आपके कम में 2.5 लाख रुपया 28 डेज है, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास आरएफपी लेवल 6 डिग्री और डिप्लोमा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा तब आपने 298 फीस पे करनी है, और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपका बैंक दिखाना है बैलेंस। बच्चे गलती कर, जिस दिन आपको ईमेल आ सकते आपने उसी दिन अकाउंट डाले, बिकॉज आपके पास होते 30 दिन है, ये ना कि आप एक दो दिन वेस्ट कर दो और आपके बैंक स्टेटमेंट ना और आपका वीज़ा रिफ्यूज। बच्चे गलती यहाँ पर फंड्स में करते हैं, जिस दिन आपको आ गया मेल, इवन कि आपकी एफडी भी आपके पर, आपके पेरेंट्स के नाम की एफडी नहीं चलेगी, आपको एफडी और कैश आपके नाम पर 28 डेज दिखाना है, और इसमें सबसे ऊपर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही बैंक दिखाइए जो कि एक लीगली है यूके के लिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे एचएसबीसी इंडिया में है, तो आपको वो दिखा। इसमें 2400 सीट्स होती हैं जो कि जनवरी में लेते हैं, और 600 निकलती जुलाई 2024 में। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं आपने डरना नहीं, आपकी एंट्री जुलाई 2024 में आएगी। पर बच्चे गलती क्या करते हैं, सरनेम और फर्स्ट नेम, कुछ बच्चों के पासवर्ड सरनेम नहीं होता, जैसे मेरे भाई के नहीं है, तो आपको सरनेम में भी अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम होता है, जैसे मेरा नाम गैरी कुमार है, मेरा फर्स्ट नेम गैरी और पासवर्ड कुमार सरनेम है, तो आपने अगर इसमें गलती की सरनेम फर्स्ट कन्फ्यूज़ हो गए तो आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। और बच्चों ने बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन भी किए थे, उनसे भी उनकी एंट्री इनवैलिड होने के चांसेस ज़्यादा थे, बिकॉज वो पिक करेगा आपकी फर्स्ट ही एंट्री को। पर आपको यूएन नंबर जरूर चाहिए, और आपको ईमेल चाहिए जो आपकी अप्रूवल आती है, और उसी ईमेल को आपको अटैच करना है वीज़ा फाइल के सबसे ऊपर। और इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा वो बताया जाएगा, उसमें सबसे ऊपर क्या लगेगा, आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ, आपकी VFS की फीस 298, आप वीज़ा फॉर्म फिल करोगे, आपको अकाउंट क्रिएट करना, स्क्रीन पर दिखाई कैसे क्रिएट किया था अपने अकाउंट, ऐसे आपने यूथ मिलिट्री वीज़ा फिल करना है, और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, आपकी जो डिग्री दिखाई है आपने या फिर 3 साल एक्सपीरियंस दिखाया वो, आपके टीवी टेस्ट और पुलिस के अंदर सर्टिफिकेट PCC, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। वीज़ा फीस पे करनी, आपने ये सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट, 3-4 सबमिट है, आपको विद इन 1 वीक और 2 वीक्स रिजल्ट आपके सामने, और यूके जाकर आप जौन सी मर्जी कंपनी में काम करो, इवन कि IT के हो, आप केयर टेकर में काम भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज कंपनी आपको हायर करे प्रॉपर स्किल के अकॉर्डिंग। अगर आप केयर टेकर हो, आप सेल्स की जॉब भी कर सकते हो, आप सुपरमार्केट में भी काम कर सकते हो, आप ड्राइवर की जॉब भी कर सकते हो। ये वीज़ा इतना अच्छा वीज़ा, बिकॉज और 2 साल इतना कमा लोगे आप यूके में, करोड़ों में कमाओगे, और अपने टैक्स मजा भरोगे, और टैक्स बनाने के बाद आपसे यूके का एक्सपीरियंस आएगा, और आप सीधे कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया और USA की PR ले सकते हो। ये वीज़ा बहुत अच्छा वीज़ा, इस वीज़ा से ऊपर मैंने खुद यूट्यूबर हूँ, फेमस यूट्यूबर हूँ, और 3 यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, गैरी बैक और गैरी TV, अब शॉर्ट्स भी दिखाए जा रहे हैं, और मेरी साफ इंस्टाग्राम आईडी है। पर इससे ऊपर वीज़ा दोस्तों कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर आपने मिस कर दिया चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, पर ये जुलाई 2024
24 महीने की बात है, फिर खुलेगा जहाँ पर 8 बच्चों के सपना पूरा हो जाए। गाइज ये रिजल्ट है आ रहा है 27-28 के करीब फरवरी को, अपनी ईमेल चेक करते जैसे आएगा मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाऊंगा। इसके लिए आपको मेरी इंस्टा स्टोरी गैरी के फैन या गैरी बैक पर आना पड़ेगा, बट ऑल द वे अब जा रहे सदा खुश रहें।